अभी दिल्ली में जो वायरस फैला हुआ है इसके आधार पे, क्योंकि जनता की तरफ से भी यही कहना है कि दिल्ली के जो हालात हैं उसके लिए जिम्मेदार हैं अरविंद केजरीवाल, आपने जो गीत तैयार किया है वो भी हमारे श्रोताओं को सुनवाइए। जी बिल्कुल, मैंने एक गीत बनाया है क्योंकि ये लोग बार 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 जो है सो कभी मोदी वेरियंट, कभी इंडिया वेरियंट और कभी अब तो सिंगापुर वेरिएंट, ताकि सिंगापुर से हमारे रिश्ते ख़राब हो जाएं, इस तरह की बात ये लोग बोल रहे हैं। तो हम जो आम नागरिक हैं वो भी तो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। अब बहुत सारी बातें सरकार तो नहीं बोल सकती, नेता नहीं बोलती, तो हम लोग जो है उसमें हम लोग भी अपना वक्तव्य विचार रखना चाहते हैं। तो मैंने एक गीत बनाया है, वो प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस गीत के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि कोरोना का 3 वेरियंट है इस दुनिया में। एक है वुहान वेरिएंट और दूसरा है राहुल गांधी पप्पू वेरिएंट और तीसरा है केजरीवाल वेरिएंट। आइए देखिए कैसे है। कोरोना से खतरनाक इससे बच्चे बचाना भूल न जाना, कोरोना से खतरनाक इससे बच्चे बचाना भूल न जाना। वेरिएंट ये कोरोना का है जाना पहचाना भूल न जाना। मैं सभी श्रोताओं से निवेदन करूंगा कि वो अपने बच्चों को भी सामने लाएं ताकि उनको पता चले कि वास्तव में कोरोना का सबसे खतरनाक वेरिएंट कौन सा है, जो हमारे बच्चों को, बड़ों को, सबको तनावग्रस्त करके रखा है। कोरोना से खतरनाक इससे बच्चे बचाना भूल न जाना, कोरोना से खतरनाक इससे बच्चे बचाना भूल न जाना। वेरिएंट ये कोरोना का है जाना पहचाना भूल न जाना, वेरिएंट ये कोरोना का है जाना पहचाना भूल न जाना। कोरोना का एक वेरिएंट नाम है जिसका पप्पू, कोरोना का एक वेरिएंट नाम है जिसका पप्पू, आलू से सोना निकालू फेंके ऐसा गप्पू। ढीला पैंच है इसका, इसकी बातों में न आना भूल न जाना, ढीला पैंच है इसका, इसकी बातों में न आना भूल न जाना। कोरोना से खतरनाक इससे बच्चे बचाना भूल न जाना, वेरिएंट ये कोरोना का है जाना पहचाना भूल न जाना। दूजा वेरिएंट कोरोना का नाम केजरीलाल है, दूजा वेरिएंट कोरोना का नाम केजरीलाल है, बचा के रखना बच्चों को तो ये संभावित काल है। दूजा वेरिएंट कोरोना का नाम केजरीलाल है, बचा के रखना बच्चों का तो ये संभावित काल है। शुरू किया है थर्ड वेव भूमि का बनाना भूल न जाना, शुरू किया है थर्ड वेव भूमि का बनाना भूल न जाना। वेरिएंट ये कोरोना का है जाना पहचाना भूल न जाना। इन दोनों ने नाक देश की बार बार कटाई, इन दोनों ने नाक देश की बार बार कटाई, क्योंकि इनको प्यारी लागे सत्ता की मलाई। हो नाचन आए इनको आंगन टेढ़ा है बताना भूल न जाना, अरे नाचन आए इनको आंगन टेढ़ा है बताना भूल न जाना।
वेरिएंट ये कोरोना का है, जाना पहचाना भूल न जाना। कोरोना से खतरनाक इससे बच्चे बचाना भूल न जाना। कोविड-19 से भी अधिक जहरीले ये, बच के रहना। कोविड-19 से भी अधिक जहरीले ये, बच के रहना। तो देखिए ये लोग वास्तव में इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह के बयान मीडिया में आके देते हैं, क्योंकि वो मुख्यमंत्री है। कुछ बोलता है तो मीडिया वाले, मुख्यमंत्री बोल रहा है, कैमरा लेके आगे आ जाते हैं। उसी तरह राहुल गांधी एक बड़े ऊंचे खानदान से हैं, और तो वो जब कुछ बोलते हैं तो मीडिया तुरंत कैमरा लेके पहुंच जाता है, और ये जब भी बोलते हैं तो जहर ही उगलते हैं। ऐसी बात बोलते हैं या तो देश के नागरिक डर जाते हैं, या फिर दुनिया में भारत बदनाम होता है। तो इस तरह से ये लोग घृणा, भेदभाव, ईर्ष्या, द्वेष, डर, भय की राजनीति करके, पुरानी जो स्टाइल है राजनीति की, जो पहले थी, जिसको मोदी जी ने 2014 में आके बदल दिया, उन्होंने विकास की, प्रेम की, सद्भावना की राजनीति की। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से सिंगापुर को लेकर तमाम तरीके से बयान दे रहे थे, और यहाँ पर अब सिंगापुर की तरफ से भी इनको फटकार लगाई गई है और इनके लिए बातें कही गई हैं। बिल्कुल, सिंगापुर ने ऐसा कड़ा वक्तव्य दिया कि भारत को नीचा देखना पड़ा। आज जो भारत का इतना मान सम्मान है, अब केजरीवाल की क्या इज्जत रही? और फिर इसकी तो देखिए मैं मानता ही नहीं हूँ कि कोई इज्जत है। इज्जत यदि कहीं पे कम हुई है तो हिंदुस्तान की हुई है, दिल्ली के नागरिकों की इज्जत कम हुई है। ये तो इसकी इज्जत ही नहीं है कुछ, इसीलिए उलझुल बोलता रहता है ये। गुरुजी, इस काल में समय पे सारी पार्टियों को एकजुट होकर इस कोरोना से लड़ना चाहिए, पर यहाँ पे भी कुछ पार्टियां हैं जो इस तरीके की राजनीति कर रही हैं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि जो वेरिएंट है, वो सिंगापुर में जो एक वेरिएंट है, वो इंडिया में ना आ जाए, जो बच्चों के लिए खतरनाक है। एक तरफ वो हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते हैं उनको बिगाड़ने की कोशिश करते हैं सिंगापुर का नाम लेकर। अगर दूसरी तरफ हम राहुल गांधी की बात करें तो वो बोलते हैं कि ये मोदी स्ट्रेन है, ये किस तरीके की बातें ये पार्टियाँ कर रही हैं। देखिए, अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं अपने सभी श्रोताओं को और प्यारा हिंदुस्तान के सभी सब्सक्राइबर को नमस्कार करता हूं, जय श्री राम कहता हूं, वंदे मातरम। मित्रों, ये कोरोना जो बीमारी है ये तो पूरी दुनिया जानती है, और अब तो सिद्ध भी हो रहा है कि ये चाइना से आई है, वुहान से आई है, और इसको सारी दुनिया वुहान वायरस के नाम से जान चुकी है, सब जानती है, सिद्ध है, स्टार्टिंग वहीं से हुई है। लेकिन राजनीति का जो वायरस है वो हमारे जो कुछ नेता हैं उनके दिमाग में ऐसे घुस गया है कि वो उनके दिमाग को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, और ऐसे दो नेता कोरोना को लेके ज़्यादा सक्रिय हमारे देश के अंदर में उनका वायरस, और उनमें एक नाम है राहुल गांधी और दूसरा है अरविंद केजरीवाल। वास्तव में इनके दिमाग में राजनीति का जो वायरस है वो कोरोना से अधिक भयंकर रूप लेके घुस चुका है, और वो वायरस इतना अधिक खतरनाक है कि वो पूरे देश को ही नहीं बल्कि अब तो दुनिया को भी संक्रमित करने के काम में लग चुके हैं। इसीलिए वो भारत को बदनाम करने के लिए और भारत के जो रिश्ते हैं अन्य देशों के साथ, वसुधैव कुटुंबकम वाले, उसको बिगाड़ कर हमारे देश को बदनाम करने के लिए, हमारे देश की साख को मिट्टी में मिलाने के लिए ये लोग कभी मोदी वेरिएंट का नाम देते हैं, जैसे आप राहुल गांधी को जानती हैं वो मोदी वेरिएंट बता रहे हैं, और हमारे देश में एक और जो एक छोटे से राज्य के मुख्यमंत्री हैं उसके मुख्यमंत्री ये केजरीवाल जी कहते हैं कि ये जो है सिंगापुर वेरिएंट है। अरे सिंगापुर के बारे में तुम क्या जानते हो? सिंगापुर दुनिया का एक बहुत ही प्रतिष्ठित देश है जिसने बहुत कम समय में इतनी अधिक तरक्की की कि आज देखिए वहाँ पर सिर्फ कोरोना के 38 मामले निकले हैं, और उस 38 मामलों को ये सिंगापुर वेरिएंट बता रहा है। और तुम्हारे राज्य में दिल्ली में जो लोग हजारों लोग मार रहे हैं और लाखों लोग डेली जो है कोरोना संक्रमित हो रहे हैं, तो उसको क्यों ना केजरीवाल वेरिएंट कहा जाए? तो ये मेरा कहना है कि ये जो इनके दिमाग में राजनीति का वायरस घुसा हुआ है ये अधिक खतरनाक है।